जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को बीदर जिले में 3 सितंबर को आयोजित होने वाली कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया। वे शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में 3 सितंबर को होने वाली कर्नाटक पात्रता परीक्षा TET की तैयारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। परीक्षा जिले के 32 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा के दौरान 9,654 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कार्य को ठीक से करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि परीक्षा व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि रूट अधिकारियों के वाहन के पीछे एक कॉट वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सलीम पाशा, स्कूल शिक्षा विभाग के अंग्रेजी भाषा विषय निरीक्षक सैयद फरूख पाशा, फुरखान पाशा, TET परीक्षा नोडल अधिकारी हुड़गे गुंडप्पा, मुख्य परीक्षा केंद्र अधीक्षक और राज्य सतर्कता अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।